नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबीन 24 न्यूज़। और इस समय खड़े कनाल के वसंत विहार इलाके में, जहां पर अभी ये जानकारी मिली है कि जो है एक लड़की जो है उसका बताया जा रहा है कि जो मर्डर हो गया है। लेकिन यहां पर जो है पूरी कोशिश करते हैं परिवार वालों से जानने की आखिर इसके पीछे जो है पूरा मामला क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपने देखा किस तरीके से बहुत ज़्यादा जो मर्डर के केस जो है सुनने को मिल रहे हैं करनाल में। और अब जो है वसंत विहार इलाके में हम पहुँचे हैं। यहाँ पर जो है परिवार के जो लोग हैं लड़की के मौजूद हैं। आपको बता दें कि एम्बुलेंस भी जो है मौके पर पहुंची हुई है, और उसके अलावा जो है पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा हुआ है। और यहां पर जो है आखिर किस वजह से जो है लड़की का यहां पर मर्डर हो गया है, ये पूरी जानकारी जो है लेने की कोशिश करते हैं। यहां पर उनके परिवार के लोग जो है मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो एक बार जानने की जो है कोशिश करते हैं परिवार वालों से कि आखिर जो किस जो है के चलते जो है यहाँ पर जो मतलब एक दिन सुखी नहीं रखा। इसने दो शादी तीन शादी इसने पहले करवा रखी थी, चौथी शादी है ये। जब फेरे में बैठे थे हम उसी टाइम पर रख लिया था उसको, तो मैंने भाभी को कहा ये रिश्ता छोड़ दे, तीन चार शादी करके उन बच्चों को नाश कर दिया और तेरी बेटी को भी दुख देंगे और घर उजाड़ देंगे। मारता इतनी था और लड़की बेटी शांत स्वभाव की थी, क्यों अच्छी लड़ाकी होती ना, लड़ाकी होती तक कब की इसको छोड़ के चली जाती। इसने घर बसाने की कर दिया, अभी तीन महीने, हाँ इनकी बेटी है, तीन महीने अभी लगा के ये मौजूद है। जी मैडम जी, मेरे से ना पैसे मांगते थे, जब मैं पैसे देती थी ना बिरजू की रखते थे, जब मेरी दी मैंने पैसे लिए ना मेरी दी को मार के घेर दिया जी। क्या नाम था बेटी का? ज्योति जी, मेरे को इंसाफ मिला जाए जी। 11 बजे की बात है, हमारे को 3:30 बजे फोन करा है जी, सिर में राड मार रखी है जी, सिर में रोड मारी है, पति ने मारी है, पति ने भी सांस पीती यहीं पे, देवर भी जताने से सब जेल से लड़की का डैडी हूँ मेरी गुड़िया बहुत अच्छी थी। मेरे पास दरखास्त है जी, 20 दरखास्त पड़ी है जी, और इन्होंने ना तीन शादियां पहले की हुई हैं जी, इसने तीनों छोड़ रखी है जी। चौथी मार लड़की के धोखे से फंसाया गया हमारे को, रोज मार पीट। एक लड़की थी 3 महीने की, उसको भी इसने फ्रिज का पानी डाल के पिछले चाटे में मार दी जी। शादी कब हुई थी? हो गए 6 साल है, हो गए 6 साल हो चुके हैं। हाँ जी, 6 साल के दौरान कोई ऐसी परेशानी, पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा? हाँ जी, डेली का जी, डेली का जी, कोई साल ऐसा नहीं है जो लड़ाई नहीं हो। अभी तो पहले भी कभी मामला सुलझाने का मामला गया? हाँ जी, मेरे पास है सारी डिटोल है जी, PCR 20 बार मंगवाई जी, यहाँ ले दे के इधर पता पता कर देते हैं ये लोग। अब भी पैसे के चक्कर में को बात कर रहे थे, तो अभी इन्होंने फोन किया जी, लड़की बीमार है, गले में खांसी है, गला बैठ रहा है इसका, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं जी। 5 मिनट के बाद फोन आ गया जी, भाई वो तो पूरी भी होगी जी, जबकि ये कह रहे थे भाई मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। फिर 5 मिनट के बाद इन्होंने बात पलटी जी, भाई हम गाड़ी में लेके जा रहे थे जी, इन्होंने देख लो जी, मेडिकल में रिपोर्ट आ जाएगी कि आपके सामने जी, इन्होंने मार रखा है जी, सिर पे इसके चोट लगी हुई है। हाँ जी, चोट लगी हुई है जी, शुरू का इनका झगड़ा जाता है जी। कितनी उम्र थी बेटी की? बेटी की जी 1966 का जन्म था जी, 1966 का जी, नहीं 1996 लड़की का, 96 का जी, 96 का बरन जी। हाँ जी, 96। तो जो है अब उनके जो परिवार, जो पुलिस प्रशासन जो है, अब आपने कंप्लेंट आपने की होगी, क्या अरेस्ट हुए हैं परिवार वाले या कुछ? अभी तो पूछ नहीं कर रहे जी, ऊपर है जी, अभी ऊपर है, अभी पुलिस वाले ऊपर है जी। ऊपर हाँ जी, हाँ जी, अभी ऊपर है। और ये कह रहे थे, ये जो इनकी जिसकी वाइफ थी वो कह रहे थे कि भाई हम हॉस्पिटल लेके गए थे, मगर उनकी बीच में डेथ होगी। अरे बीच में डेथ हो गई तो उसका मान लो हॉस्पिटल तो आप जा सकते थे, वहाँ पर हॉस्पिटल तो जाना चाहिए था उन्होंने, वहाँ की रिपोर्टें दिखाते हमें, हैं कह रहे कि भाई वहाँ बाथरूम में गिरे हैं, अगर बाथरूम में गिरे हैं तो वहाँ पर राड लगी है उनके सर पे, तो बाथरूम में खून नहीं मिलता, वहाँ पर एक भी निशान नहीं है खून का वहाँ पर जी। ठीक है जी, बिल्कुल सब झूठ है जी, ये सब, और कपड़े भी चेंज कर रखे जी। हाँ, ये लड़की का ससुराल है जी, यहीं पे मारा है। हाँ जी, यहीं पर इसकी लड़के के पहले भी 3 शादी हो रही है जी, तीनों को तीनों छोड़ दी, एक को छोड़ दी जी, मन मन दो मार रखी हो जी, एक किसने एक्सीडेंट में भी किसी को कत्ल कर रखा जी, पता नहीं क्या क्या कर रखा जी, बिल्कुल एक नंबर का बेटिया बंदा जी है। हाँ जी, तो आपकी जो बेटी है उनकी पहली शादी थी? हाँ जी, पहले की पहली। हाँ जी, हमें तो धोखे से फंसाया गया जी, भाई इसकी पहले शादी नहीं हो रही जी, अब चौथी शादी हमारी लड़की की थी जी इसके साथ, ये रोज दूसरे तीसरे
अगर महीने छह महीने में होती चलो भाई घर में कलेश हो जाता जी, कोई दिक्कत नहीं मानते, इसका तो रोज का ये काम था जी। ससुराल के सभी लोग जो है पहले मारपीट करते थे, पति करता था? नहीं, सासू जी, सासू है जी, एक उसकी बुआ है, ससुर भी चुप करके यहाँ बैठा रहता है। एक बार यहाँ मारपीट कर रहा था, मैंने छुपाने लगा जी, मेरे को भी मार दिए, फिर मैंने भी एक यहाँ मुक्का मार था, कहते मारने दो लड़की को, मारते तो मारने दो। बच्चे भी हैं? बच्चे नहीं है जी, एक गुड़िया थी, एक गुड़िया थी, लड़की हुई थी, उसको ठंडा पानी गिर के मारा गया, फ्रिज का पानी डालकर ना वो मार दी गई थी उसने। अब भी यही हुआ है कि 11 बजे की डेथ हो रखी है, इनके पास फोन आ रहा है 3:30 बजे और ये कह रहे हैं कि वो बीमार थी, और जब इन्होंने आके चेक करी मतलब देखते तो यहाँ कोई भी बच्ची कैसे सिर पे पीछे मतलब सिर फटा हुआ था और यहाँ पर कमर में भी चोटे के निशान है। तो इन्होंने आके मतलब पहले 100 नंबर पे कॉल की, उसके बाद आपको सर यहाँ पर बुलाया कि जो भी है भी साफ हो, चाहे अगर अगर इंसाफ है, जो भी है सच्चाई आए सामने, कोई भेदभाव ना हो किसी के साथ, चाहे वो साफ हैं तो वो साफ रहें, ये साफ हैं तो इनके इनको जो भी इंसाफ है वो इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी यही दरख्वास्त है सर। पति का क्या नाम है? पति का नाम बब्बू, बब्बू भैया जी, बलवंत भैया जी, बलवंत है सर, बब्बू वैसे बोल देते हैं। आपकी बेटी थी ना? हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार जो है जो पुलिस प्रशासन है वो भी मौके पर पहुंचा हुआ है, बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर आगे जो है किस तरीके से जो कार्रवाई है वो करेंगे, और अभी जो है क्या उनके जो परिवार वाले हैं क्या उनको अभी आगे जो है अरेस्ट करने के लिए जो है क्या आगे की कोई प्रक्रिया शुरू की गई है, क्योंकि यहाँ मौके पर जो एम्बुलेंस है वो मौजूद है। और आपको बता दें कि वसंत विहार इलाके में जो व्यूअर्स जुड़े हैं उन्हें बता दें कि जो एक लड़की है यानी कि अपने ससुराल में ससुराल वालों की तरफ से जो है उसे मार दिया गया, और जो आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि सिर पर रॉड जो है जो मारी गई है जिसकी वजह से जो है इसकी मृत्यु हो गई, और पहले से काफी ज्यादा झगड़े होते थे। आप भी परिवार से हैं? हाँ जी, हाँ जी, लड़की हाँ बुआ लगती हूँ मैं, तो बहुत समझाते थे। अभी लेने गया था ना गांव में, लास्ट बारी मैंने हाथ जोड़ा उसके आगे, भाई लड़की बार बार कहती है मैं अपने घर बसना चाहती हूँ, तो लास्ट बारी है तेरे को, नहीं तू रखेगा तो हम फिर इसको छुड़वा लेंगे, तो लास्ट बारी बेचारी को मार दिया, महक के जाने को जोगा नहीं रखा उसने। आखिरी बार कब ये? अब की हो गया 15-20 दिन हो गए, 15-20 दिन हाँ, 3 महीने लगा के अपने मम्मी पापा के घर, तो ये लेने गया, फिर हमने इसको समझाया, बहुत समझाया, अभी घर गृहस्थी अपनी संभाल, इसने लड़के ने देख ले इसको मार ही दिया लड़की। इनके पास पैसे हाँ पहले ले गए हाँ 15 हाँ इतना टाइम हुआ है, हमने समझा समझू के इसको भेजा भी, तू चल बेटे अपने घर, लास्ट बारी चले जा, उसके बाद हम नहीं भेजेंगे, कोई आप गलती करोगे ना अपनी बेटी को हम घर ले आएंगे। कौन कौन से लोग हैं जिनके ऊपर जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, किनके ऊपर आपका शक है कि इन्होंने सबने मारा है? इसकी मम्मी है, बुआ जी है, किसका डैडी है जी, माँ भी है जी, मैं 20 बार यहाँ लेने, मेरे पास सबूत पड़े हैं जी, माता पिता हाँ जी, लड़का और उसके बुआ हाँ जी, PCR वालों का नंबर पड़ा जी मेरे पास, 100 बार का रखा जी, 20 बार यहाँ लसाई जी, ओ PCR वाले जी ये ले दे के इनके पास पैसा जी, तो रपा तपा कर देते, राजीनामा तक नहीं लिखवाते जी ये लोग, पैसा ले दे के पुलिस वालों को ये छूट जाते हैं जी, कोई कभी सुनवाई नहीं हुई जी, महिला मंडल जब से ये केस कर रहे हैं। हाँ जी, मैं इसके बुआ का लड़का ही हूँ, तो कभी सुनवाई नहीं हुई, जितनी बारी भी कोई FIR कराई, मतलब बीच में ऐसे राजीनामा कुछ नहीं हुआ, ऐसे बाहर से बाहर रफा दफा हो जाता है, कभी इनको नहीं बुलाया, एक आधी बार ना इनको बुलाया ना इधर से कोई बात हुई, बस ये अपने जाते निमटा के आ जाते हैं अपने आप, कोई कोई किसी तरफ से कोई भी नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ किसी तरफ से भी। हाँ जी, राजीनामा मतलब लड़की लड़की वाले पक्ष को नहीं बुलाया जाता था, सिर्फ ये अपने आप ही निमटा जाते थे। तो यहाँ पर जो है बात करने प्रयास जी, तो मुझे पता नहीं जी, अब मियाँ भी झगड़ा है बीच में, कौन पड़ता है गवाही का बात नहीं है यहाँ, गवाही के नहीं, गवाही के यहाँ कोई विचार नहीं, देखो कोई भी इंसान जाज बोल सकता है। कौन है उनके परिवार से? ये जा रहा जी, इससे पूछो 20 बार है मैं, कौन है PCR वालों को बुलाया था ये, ये आप उनके परिवार से? नहीं सर, मैं पड़ोस से। कौन है? अंदर है उसका सब, अंदर ही है, अंदर है सब। तो फिलहाल जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन अंदर गया हुआ है, अपनी तरफ से तफ्तीश कर रहा है, और यहाँ पर जी जब तक तो उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, लड़की बीमार होती थी, मैं भी नहीं आती थी, हां जी की मां भी जो है मम्मी हूं जी मैं, हमारा कोई इंसाफ चाहिए जी। वो बेटी व्रत की तैयारी कर रही थी, ये थोड़ी बीमार होती तो क्यों तैयारी करती व्रत की, कैसे मेहंदी लगाती, क्यों तैयार होती लड़की तैयार होने, अब तो इसके सारे कपड़े उतार लिए जो खून वाले थे, हाँ कपड़े भी छुपो लियो, हाँ हाँ पहले वाले कपड़े उन्होंने चेंज कर दिए इन्होंने। अरे भाई हाँ मेरी बात सुनो, कोई गरीब बंदो बहन चो नहीं मार देगा, बहन चौदह छोड़ देंगे के जो हमारे सामने अंदा है, हमारी बहन मिट्टी नहीं है क्या,
उसको बोलो बहन चौथ को कोई भी है सामने आके लड़े हैं नहीं मर्दी बेटी नहीं है क्या मर्दी बेटी को मारेंगे मारेंगे मार दी अब क्या कर लेंगे गाली नहीं दे हम हैं आइयो हमारे सामने कौन आएगा सामने आओ भाई कहते सामने आकर लड़ेंगे ठीक है हाँ भाई हूँ मैं क्यों क्यों क्या मतलब भाई होना चाहिए बस सगा आप किसी के भाई नहीं हो भाई मारी दी बेटी हो गया अरे हम भी भाई हैं उसके बेचारी के मामी रक्षाबंधन में तेरा सर जीता है उन्होंने समझा दिए कोई भी है उनको सामने आ जा तो यहाँ पर जो है परिवार का जो आक्रोश है वो अपना उसके अंदर अलग से एक देखने को मिल रहा है और जो फिलहाल जो है आपको बता दें कि वसंत विहार इलाके से आपको बता रहे हैं वो क्या कहता है क्या बताता है उसके बयान तो ले लो जो कुत्ते काफर ने जिसने खाई है वो लड़की हमारी उसके बयान तो ले लो चल कोई कसूर नहीं था तो हमारी बच्ची के ऊपर तो गिर के रोता चिल्लाता भी इतना हमारे साथ वो करा है क्यों नहीं चिल्लाया रोया जब हम आए तो दूर बैठा था क्यों बैठा था हाँ जी यही है ससुराल देख लो कहीं होंगे क्या पता कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं ससुराल वाले कौन से रो रहे हैं बैठे हैं खुश होके ये तो खा रखी है हमारी बच्ची को मार रखा है कत्ल कर रखा है इन्होंने हमारी बच्ची को पहले भी ऐसे राड़े रूड़े मारता था जैसे बेड था ना उसके नीचे ऐसे घुस जाती थी अपनी जान बचा जाती थी इन्होंने हमारी बेटी को खा लिया है जी इन्होंने मार रखी है हमारी बच्ची हमारे को इंसाफ मिला जाए जी हाँ जी पुलिस कहती है भी अभी आ रही है टीम उठा के ले जाएंगे अभी सुबह 11 बजे डेड बॉडी मिलेगी भाई सुबह जो भी होगा ना वो होगा नहीं जी जब तक कानून की कार्रवाई नहीं की जाती मैं लड़की नहीं उठाने दूंगी हाँ तो यहाँ पर जो है फिलहाल जो परिवार के लोग हैं तो उनके अंदर यही जो है आक्रोश है कि जो लड़की है उनकी उसको मार दिया गया ससुराल की तरफ से और यहाँ पर पहले लगभग 6 साल हो चुके हैं शादी को 6 साल के दौरान कई बार जो है पति पत्नी में झगड़ा हुआ और उसके बाद पति ने जो है बाद में सुलह कर ली उसके बाद लड़की को घर ले जाता था लेकिन इस बार जो है बताया जा रहा है 15-20 दिन पहले जो है मामला भी सुलझा ही था फिर से वो अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है लेकिन इस बार जो है परिवार वालों ने कहा था कि ये आखिर बार जो है हम अपनी लड़की को हम जो है वापस ससुराल भेज रहे थे लेकिन इस बार जो है जो बेटी है उसको उन्होंने जान से मार दिया सिर पर जो है धारदार किसी रॉड से जो है वार किया गया है लेकिन अभी पोस्टमार्टम होगा उसमें जो है सारी चीज़ सामने आएगी कि किस तरीके से मारा गया है ये सारी चीज़ जो है पुलिस प्रशासन है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे फिलहाल जो टीम है वो अभी घर के अंदर है पुलिस प्रशासन की और वो जो है यहाँ पर सारे जो सबूत हैं उसे जुटाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर तो फिलहाल जो है यहाँ पर आपको बता दें वसंत विहार इलाके से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सामने तो कोई बयान नहीं हुआ उसका तो बताइए आप जो काफिर है लड़की का हत्या वाला जो हत्याकारी है लड़की का उसने एक बयान भी हमारे सामने नहीं किया पुलिस वालों को पैसे का जोर है उसको है मैं गलत बोल रही हूँ सब लोग खड़े हैं बेशक मेरे को गिरफ्तार कर लें हैं मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ हमारी जवान लड़की गिरने से मर जाती है कोई भी है हैं क्या नाम है मेरा दर्शन कौर कहाँ रहते हैं गांव मोदीपुर में आप ही परिवार से नानी है नानी हूँ मैं नानी हूँ उसकी लड़की की एफआईआर दर्ज करवाते हैं जी राजीनामा तक नहीं करवाते ये पैसा ले दे के छूटाते हैं जी थाने तक नहीं बुलाते हमारे को तो बुलाना चाहिए जी राजीनामा हर बार हुआ कैसे हुआ लिखते कुछ हुआ ऐसे हुआ कुछ भी नहीं जी हमारे को बुलाते तक भी नहीं जी थाने तक भी नहीं बुलाते जी हाँ जी मेरे पास है 5-7 दरखास्त भी है घर पे 20 दरखास्त जी और डिटेल कॉल निकलवा लो जी PCR वालों से महिला मंडल से पूछ लो उनका नंबर भी है मेरे पास अभी फोन किया था कहता सुभाष बोला मकान जी क्या हो गया आज मगर मेरी लड़की को मार दिया जी फिर उन्होंने सदर नंबर SHO का नंबर दिया जी महिला मंडल वालों ने इसका तो रोज का ही काम था जी दूसरे तीसरे जो मांगता था इसको मिलता था कभी 1000 दे दो जी 1500 दे दो दुकान का किराया भरना है किस्त भरनी है गरीब आदमी जी कर सेटिंग लगाता हूँ जी ये पक्की मकानों वाले सेटिंग का काम करता हूँ जी इसका काम ही ऐसा जी और इसका बाप कमाता ब्लैक जी दारू बेच के 6 प्लाट ले रखे हैं जी 6-6, 12-12 लाख में ये पुलिस वालों का पैसा चढ़ा देता है जी इसमें लोग कौन क्या है जो मारेंगे गोली मार देंगे पैसा चढ़ा देता जी जब FIR दर्ज करवाते हैं जी फिर उसमें राजीनामा क्यों नहीं होता हमारा हमारे को बीच में क्यों नहीं बुलाया जाता जी पुलिस वाले बोलो जी हाँ बुलाते नहीं जब ये काम होता है मारपीट होती है एप्लीकेशन देते हैं तो ना पुलिस वाले सुनते हैं ना ये लोग सुनते हैं
कि उनके पास पैसा है, पैसा चढ़ा देते हैं ना। एक दिन लड़की को लेना जी, लड़की का फोन। हाँ, क्या काम करता है लड़का? ये डीजे का काम करता है जी। हाँ जी, एक बार लड़की का फोन गया जी, भाई मारपीट किया मेरे को, पापा जी आके ले जाओ, मैं लेने आया, मेरे सामने ही मारपीट की। तो एक बार जो है मौके पर जो SHO हैं वो पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो है पूरी जो टीम यहां पहुंची हुई है वो किस तरीके से जो है पूरी तफ्तीश को जो है लेकर चल रही है। और फिलहाल जो है यहां पर आपको बता दें कि जो मौके पर जो SHO हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो यहां पर जो जाँच है वो की जा रही है। और फिलहाल जो यहां पर बात करने का प्रयास करते हैं, सर जानना चाहेंगे कि आखिर जो इसके बारे में कुछ पता चला है अभी? फिलहाल जो है पुलिस अभी अपनी जांच में जुटी हुई है, तो जो इसके अंदर अभी तफ्तीश जो है वो कर रहे हैं। और यहां पर जो आपको बता दें कि जो सदर थाना है वहां से जो है अभी SHO बलजीत जी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल जो है यहां पर टीम जो है अभी व्यस्त है अपनी जो इस जांच को देखने में। और फिलहाल जो है परिवार के लोग जो हैं यहां पर यही जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो परिवार के लोग हैं उन्होंने रोड से जो है वार कर दिया है। और अब जो है बात करने का प्रयास करते हैं पुलिस प्रशासन से कि आखिर उनका इस बारे में अभी क्या कहना है। तो आपको बता दें कि इस समय जो है जो डेड बॉडी है उसको लेकर जाया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और यहाँ पर जो है आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो एम्बुलेंस है मौके पर मौजूद है और पुलिस प्रशासन उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर काफ़ी जो है विलाप जो है उनके परिजन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपको बता दें कि बसंत विहार इलाके से गली नंबर 13 से जो है आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ पर मौके पर आप देख सकते हैं कि सभी परिजन यहाँ मौजूद हैं। और अब आगे जो है पोस्टमार्टम होगा और ये देखने वाली बात होगी कि आगे जो है किस तरीके से जो है ये तफ्तीश होती है। तो एक बार जो है ज़रा जाने का प्रयास कर रहे हैं जो SHO बलजीत जी हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। एक बार उनसे बात जो है करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है ये सारे जो प्रकरण हुआ जिस तरीके से ये। और फिलहाल जो है हम घर में मौजूद हैं और जो ऊपर का फ्लोर है वहाँ पर आ चुके हैं। और फिलहाल तो जी क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, ये राड भी मिली। सर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे को राड मिली है जो सिर पे उस लड़की को चोट चोट मार रखी है सर, मारी गई है सर। हाँ जी, हम ये कहते हैं मौके पे नहीं मैम, एकदम से रोड लगेगी, खून कैसे लगेगा उस पे? खून एकदम से कैसे लगेगा? और चोट मारी गई है सर, इंसाफ चाहिए जी। तो एक बार जो है SHO हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या उन्होंने फ़िलहाल जो है कोई सबूत जुटाया है क्या। तो एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़िलहाल मौके पर जो टीम है वो छत पर आई हुई है और बात करने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो टीम है मौके पर वो फ़िलहाल जहाँ पर एक घटना हुई है वहीं घर में जो है अपनी जो कार्रवाई है उसको करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और फ़िलहाल जो है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो सर एक बार जानना चाहेंगे कि आखिर क्या तफ्तीश हुई, थोड़ा जानकारी दीजिए सर, क्या प्रकरण के बारे में? हमारे को जो सूचना मिली थी, सूचना पे यहाँ आए हैं, ज्योति नाम की लेडीज है जिसकी मृत्यु हुई है, तो उसके परिजन जो आए हुए हैं माता पिता, उन्होंने अभी तक शक जाहिर किया है कि जो इसका हस्बैंड है उसकी तरफ से इसको चोट मार के और ये वाक्या ये हादसा किया गया है। बाकी FSL की टीमें हमारी मौके पे आई हुई हैं, मौका विजिट हो रहा है, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, कॉज ऑफ डेथ पता लग जाएगा, उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबूत मिला अभी तक आपको ऐसा? अभी तो निरीक्षण शुरू किया है, देखते हैं। कुछ परिजन कुछ किसी रोड के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई रोड भी है यहाँ पे? ऐसा है, जो चीज़ें हमें बताएंगे उस हर पहलू की जाँच की जाएगी, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी शुरू हुई है अभी तो,
शुरुआत है, अब क्या चीज़ मिलती है वो देखते हैं। तो जिन परिजनों पर जो इल्ज़ाम लगाया, क्या परिजनों को फिलहाल हिरासत में लिया जाएगा शुरू में? अभी तक इनकी एप्लीकेशन हमारे पास नहीं आई है, ये एप्लीकेशन हमें देंगे, अकॉर्डिंग टू इनकी स्टेटमेंट जो कार्रवाई बनती है वो कर दी जाएगी। जी, थैंक यू। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि किस तरीके से जो फिलहाल जो SHO बलजीत जी हैं उन्होंने बताया कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही है, और लिखती में जो है उनके ऊपर जो उनको जब कंप्लेंट मिल जाएगी तो उस पे जो है उनको फिर आगे जो है अरेस्ट करने की जो कार्रवाई है उसे भी पूरा किया जाएगा। और फिलहाल जो है यहाँ पर जो है डेड बॉडी को ले जाया गया है, अब आगे पोस्टमार्टम जो है उसका किया जाएगा, और फिर देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से जो है इस पूरी जो वारदात के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, क्या हाथ है। तो एक बार यही सारी जो आपको सारी जानकारी दे रहे थे कि वसंत विहार इलाके में एक लड़की जो है उसके ससुराल वालों ने उसे मार दिया, और ठीक उसके ससुराल में ही हम इस समय खड़े हैं, और वहाँ पर जो है फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है, और काफ़ी समय से जो है लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में होता था, लेकिन उसके बाद अभी पीछे आपको जैसे कि पहले हमने बताया कि उनका जो निपटारा अभी हुआ था 15-20 दिन पहले, लेकिन उसके बाद जो परिवार का कहना है ऐसा, और अब जो है लड़की को मार दिया गया पति के द्वारा, और कहा जा रहा जो परिवार जन है उनका कहना है कि रॉड से मारा गया है, लेकिन तफ्तीश में क्या निकल कर आता है ये आगे देखने वाली बात होगी। तो फिर से IBN 24 पर जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।